हेलो गाइस, इस एपिसोड में हम एक्सप्लेन करेंगे थॉर्न ऑफ सेल के सीजन 2 का एपिसोड 9, जो पूरी तरह नॉवेल बेस्ड होने वाला है। यह एपिसोड अभी रिलीज नहीं हुआ है और 29 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, हाउशेन और असैसियन टेम्पल के एक वॉरियर के बीच फाइट हुई थी। उस फाइट में हाउशेन ने उस असैसियन को हरा दिया था, जिसके बाद सीमा जियान और लिनजिन के बीच फाइट हुई थी। उस फाइट में सीमा जियान ने लिनजिन को हरा दिया था। अब रेफरी नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट फाइट सायर और लिनजी के बीच होने वाली थी। दोनों ही बैटल फील्ड पर आ जाती हैं। रेफरी फाइट स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट करता, इससे पहले ही अचानक से सायर कहती है, मैं ये फाइट नहीं करना चाहती हूँ। लिनजी एंड रेफरी दोनों ही उसे समझाते हैं कि ऐसा करने से उसकी रैंक कम हो जाएगी, लेकिन सायर फिर भी नहीं मानती है। इसलिए अब रेफरी लिनजी को विनर अनाउंस कर देते हैं। अब रेफरी नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट फाइट सोल टेम्पल की चैनिंग और सोल स्केयर टेम्पल की वैंगयून, इन दोनों के बीच होने वाली थी। दोनों ही बैटल फील्ड पर आ जाती हैं। वैंगयून के पास एक बहुत ही भारी शील्ड थी एंड उस शील्ड को देखकर सभी लोग वैंगयून को बहुत ज्यादा पावरफुल मानने लगते हैं। फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सभी ने सोचा था इन दोनों के बीच कमाल की फाइट होगी, लेकिन होता बिल्कुल इसके उल्टा है। वैंगयून अपनी शील्ड के जरिए पूरे बैटल फील्ड को स्टार्टिंग में हलाने लगती है। इसी का फायदा उठाकर चैनिंग अपनी डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है एंड अपना डिफेंस करने लगती है, जिसके बाद कैंगिंग अपने होली गेट को एक्टिवेट करने लगती है। होली गेट फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के बाद उसके अंदर से पावरफुल मैजिकल बीस्ट आकर वॉरियर का साथ देते थे। इधर वैंगयून डिफेंस फॉर्मेशन को तोड़ना जारी रखती है। कुछ ही देर बाद वो डिफेंस फॉर्मेशन को तोड़ लेती है, लेकिन तब तक चैनिंग ने अपने होली गेट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था एंड अब उसके होली गेट से एक मैजिकल बीस्ट बाहर आता है। लेकिन शॉकिंगली वो कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट नहीं था, बल्कि एक सीप मैजिकल बीस्ट था, जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं एंड अब चैनिंग उसे गोद में उठा लेती है एंड अपनी हार मान लेती है। ये सब देखकर वैंगयून को बहुत बुरा लगता है, बिकॉज उसे लगा था आज उसे एक बहुत अच्छी फाइट करने को मिलेगी, बट सब कुछ उल्टा ही हुआ था। इधर हमें लिनजी और सायर को दिखाया जाता है, जो अब हाउशेन को ढूंढ रहे थे, बिकॉज काफी टाइम से उन्हें हाउशेन नहीं दिख रहा था। लिनजी कहती है, लगता है हाउशेन चला गया। तो सायर कहती है, वो तो ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद सायर वहां से उसी लोकेशन पर जाने लगती है जहां पर वो एंड हाउशेन हमेशा मिला करते थे। इधर हमें हाउशेन को दिखाया जाता है, जो अभी पता नहीं कहां था, बट वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था एंड उसे बार बार ड्रैको की आवाज सुनाई दे रही थी। गाइस, हम हाउशेन के बीस्ट को ड्रैको कहेंगे। हाउशेन ड्रैको को ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद उसे एक केव में ड्रैको मिलता है। ड्रैको की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन हाउशेन उसे देखकर बता सकता था कि वो इवोल्यूशन करने वाला है। हाउशेन उसके पास चला जाता है एंड उसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहता है। हाउशेन ड्रैको को मोटिवेट करने लगता है एंड अब ड्रैको भी हाउशेन की बात मानकर वैसा ही कर रहा था, लेकिन तभी हाउशेन को खतरा फील होता है। हाउशेन पीछे मुड़कर देखता है एंड तुरंत केव से बाहर आ जाता है। केव के बाहर उसे अजीब से क्रिएचर देखने मिलते हैं, जो घोस्ट जैसे लग रहे थे। वो हाउशेन पर अटैक करने लगते हैं, तो हाउशेन भी उनसे फाइट करने लगता है एंड एक एक कर उन्हें हराने लगता है। तभी वहां पर एक पावरफुल घोस्ट आ जाता है एंड कहता है, आखिर एक ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ फायर एंड डार्कनेस के अंदर कैसे आया। तो हाउशेन कहता है, तुम उससे क्या लेना देना, तुम बस ये बताओ तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो वो घोस्ट कहता है, मैं तुम पर अटैक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे मेरे काम करने से रोक रहे हो, तुम मेरे काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तो हाउशेन कहता है, कैसा काम। वो कहता है, मैं अंदर मौजूद उस मैजिकल बीस्ट को मारना चाहता हूँ। हाउशेन कहता है, वो मेरा पार्टनर है एंड मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। तो वो घोस्ट कहता है, क्या तुम जानते हो तुम आखिर किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो हाउशेन कहता है, नहीं, क्या तुम जानते हो। तो वो घोस्ट कहता है, हाँ, तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो डेमन किंग के पुनर्जन्म को। डेमन किंग वही है जिन्होंने इस वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस एंड फायर को क्रिएट किया है, लेकिन मैं उसे मारना चाहता हूँ, बिकॉज उसे मारने के बाद यहाँ का किंग मैं बन जाऊंगा। एंड लड़के, तुम भी उसे प्रोटेक्ट मत करो, डेमन किंग बहुत बुरा है। तो हाउशेन कहता है, डेमन किंग चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन ड्रैको मेरा दोस्त है एंड मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। तो वो घोस्ट कहता है, ठीक है, पहले मैं तुम्हें मारूंगा
उसके बाद जाकर तुम्हारे उस दोस्त को भी मार दूंगा। हाउसेन कहता है, अच्छा आजमा कर देख लो। एंड अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। होस्ट किंग अपने पावरफुल टेक्निक से हाउसेन पर अटैक करता है, तो हाउसेन भी अपनी दोनों सॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करता है एंड उस पर भी अटैक करता है। लेकिन ये वर्ल्ड उसका था, इसलिए हाउसेन यहाँ पर उस पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। वो गोस्ट कहता है, हाउसेन अंदर जो केव में है वो एक अस्पिन ग्रिफ है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए एंड उसे मारने में मेरा साथ देना चाहिए। तो हाउसेन थोड़ा सोचता है एंड कहता है, ठीक है अब तुम्हें मरना होगा अस्पिन ग्रिफ। ये सुनकर गोस्ट खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से हाउसेन गोस्ट पर अपने सन स्पिरिचुअल स्टोव से अटैक कर देता है। गोस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड अब वो हाउसेन पर एक पावरफुल टेक्निक से अटैक कर देता है एंड उसकी सोल को खाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर ड्रैको आ जाता है। ड्रैको के अभी के लिए 3 सर थे एंड वो देखने में पहले से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। ड्रैको अपनी फायर बॉल से उस गोस्ट पर अटैक कर देता है एंड उसे मार देता है। गाइज मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये भी एक तरह के क्रिएचर है जो देखने में तो ह्यूमन जैसे है बट ए बहुत बुरे हैं एंड डार्कनेस के वर्ल्ड में रहते हैं। साथ ही साथ इनमें गोस्ट जैसे गुण हैं, इसलिए हम इन्हें गोस्ट ही कहेंगे। वो गोस्ट मर चुका था, लेकिन उसने मरने से पहले अपने साथियों को एक सिग्नल भेज दिया था एंड उसके साथी वहां पर आने के लिए रवाना हो चुके थे। इधर रियल वर्ल्ड में हाउसेन रियल वर्ल्ड में लौट आता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके साइड में सायर एंड लिंजी दोनों ही मौजूद थे, जो लगातार उससे सवाल पूछे जा रहे थे। वो इतनी तेजी से सवाल पूछ रहे थे कि हाउसेन को जवाब देने का भी मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए हाउसेन उन्हें कोई जवाब भी नहीं देता है। तभी हाउसेन की नजर अपने साइड में मौजूद एक मैजिकल बीस्ट पर पड़ती है, जिसके 3 सर थे, जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था एंड वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। ये हमारा ड्रैको था जो इवॉल्व हो चुका था। हाउसेन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।